Hello everyone, welcome back to your UPSC. So we will continue with our series, that is Apno Rajasthan. For today we will continue with the lecture जो last lecture अपन ने किया था, that is First in Rajasthan. तो First in Rajasthan में part 1 अपन ने complete कर लिया था. Now we will continue from Bhilwara onwards. Bhilwara तक अपन ने complete कर लिया था, अब Bhilwara से आगे चलेंगे and वी विल स्टार्ट फ्रॉम चित्तौड़गढ़. ठीक है, चित्तौड़गढ़ से अपन स्टार्ट करेंगे. सो इस लेक्चर में अपन बेसिकली वो सारी चीज़ें पढ़ रहे हैं, वो सारे डिस्ट्रिक्ट्स को पढ़ रहे हैं जहाँ पर कोई भी चीज़ फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुई थी राजस्थान में. ओके, सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड. भीलवाड़ा वॉज कम्प्लीटेड, नेक्स्ट इज चित्तौड़गढ़. ठीक है, नेक्स्ट इज चित्तौड़गढ़. अब चित्तौड़गढ़ में आप देखेंगे राजस्थान का फर्स्ट न्यूक्लियर पावर स्टेशन. न्यूक्लियर पावर स्टेशन वॉज एस्टैब्लिश्ड इन चित्तौड़गढ़. और ये कहां पर एस्टैब्लिश हुआ था? रावतभाटा. ठीक है, न्यूक्लियर पावर स्टेशन कहाँ पर एस्टैब्लिश हुआ था? रावतभाटा में. ठीक है, एंड देन सेकंड पॉइंट इज राजस्थान का जो पहला प्राइवेट सेक्टर की जो शुगर मिल थी. ठीक है, प्राइवेट सेक्टर की जो शुगर मिल है ऑफ राजस्थान, वो कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में. और कहाँ पर है वो चित्तौड़गढ़ में? भूपाल सागर. भूपाल सागर. ठीक है, तो चित्तौड़गढ़ में आप क्या देखेंगे? राजस्थान का पहला न्यूक्लियर पावर स्टेशन कौन सा है, कहाँ पर है? रावतभाटा में. एंड देन फर्स्ट प्राइवेट सेक्टर जो शुगर मिल है वो कहाँ है? भूपाल सागर में. ठीक है, तो ये हो गया चित्तौड़गढ़. अब चित्तौड़गढ़ के आगे अपन आते हैं. चित्तौड़गढ़ के आगे प्रतापगढ़ में कुछ नहीं है, बांसवाड़ा में कुछ नहीं है. वी विल मूव ऑन टू डूंगरपुर. तो डायरेक्टली अपन चलते हैं डूंगरपुर की तरफ. अब डूंगरपुर में आप देखेंगे, डूंगरपुर में आप देखेंगे देश का. ओके, तो देश का है तो ऑब्वियसली राजस्थान का भी होगा. तो इंडिया का प्लस राजस्थान का फुली लिटरेट आदिवासी जो डिस्ट्रिक्ट है वो कौन सा है? डूंगरपुर. तो यहाँ पर जो आदिवासी हैं वो क्या हैं? फुली लिटरेट हैं, मतलब सब पढ़ लिख सकते हैं. ठीक है, तो कौन सा डिस्ट्रिक्ट है वो? डूंगरपुर. ओके, देन उसके आगे आप देखेंगे राजस्थान का और इंडिया का. ठीक है, इंडिया का और राजस्थान का एसटी कम्युनिटी के लिए पहला, ठीक है, फर्स्ट मिनी बैंक है ये. ठीक है, तो जो एसटी वुमेन है उनके लिए कोऑपरेटिव मिनी बैंक इस्टेब्लिश किया गया. ठीक है, तो इंडिया का और राजस्थान का ये पहला कोऑपरेटिव मिनी बैंक है फॉर एसटी वुमेन. ठीक है, एंड ये किया गया बरबूदनिया में. और वुमेन के लिए जो पहला कोऑपरेटिव बैंक स्टैब्लिश किया गया था, मिनी बैंक स्टैब्लिश किया गया था, वो कहाँ किया गया था? चूरू सालासर में. ठीक है, चूरू सालासर में स्टैब्लिश किया गया था. ठीक है, एसटी वुमेन के लिए कहाँ एस्टैब्लिश किया गया है? डूंगरपुर बरबूदनिया. ठीक है, डूंगरपुर डिस्ट्रिक्ट बरबूदनिया में. अब नेक्स्ट आता है उदयपुर. पहले लेट मी क्लियर दिस. ओके, नेक्स्ट इज उदयपुर. अब उदयपुर में आप देखेंगे राजस्थान का सबसे पहला वायर हाउस, फर्स्ट वायर हाउस ये हुआ था एस्टैब्लिश ऑन 22 फेब
1895, ठीक है, उदयपुर में इस्टेब्लिश हुआ था कब, 22 फरवरी 1895। अब उसके बाद आप देखोगे राजस्थान में उदयपुर में क्या है, शिल्पग्राम, शिल्पग्राम मतलब क्राफ्ट विलेज है एक तरीके से, ठीक है। तो ये क्या है, उदयपुर राजस्थान का पहला शिल्पग्राम कहाँ पर है, उदयपुर में, और उस गांव का नाम क्या है, हवाला ग्राम, ठीक है, हवाला विलेज, ठीक है। ये अब वो ब्लैक मनी वाला हवाला नहीं है, ठीक है, ये हवाला विलेज है किस चीज़ के लिए, ये है शिल्पग्राम, ओके। आगे चलते हैं, अब आप देखेंगे यहाँ पर क्या है, ह्यूमन एनाटॉमी पार्क, ठीक है, राजस्थान का पहला ह्यूमन एनाटॉमी पार्क कहाँ पर है, कहाँ पर है, उदयपुर में, ठीक है। देन डेंटल कॉलेज, ठीक है, योगा कॉलेज, देन योगा कॉलेज, देन फिश सेंचुरी, ठीक है, जो मत्स्य अभ्यारण है एक बहुत बड़े तालाब में, ठीक है, फिश रिजर्व या फिश सेंचुरी। देन उसके बाद मिल्क डेरी महाविद्यालय, ठीक है, मिल्क डेरी कॉलेज। उसके बाद आप देखेंगे डे केयर सेंटर, डे केयर सेंटर क्या नाम है इसका, मोहनलाल सुखाड़िया, ठीक है, मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय में क्या है, डे केयर सेंटर है। उसके बाद डिजिटल विश्वविद्यालय, डिजिटल यूनिवर्सिटी कौन सी है, महाराणा प्रताप एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी, ठीक है, महाराणा प्रताप एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं, राजस्थान का फर्स्ट कमर्शियल बायोडीजल रिफाइनरी कहाँ पर है, झामर कोटड़ा, ठीक है, झामर कोटड़ा। अब झामर कोटड़ा कहाँ है, उदयपुर में, क्या है, राजस्थान की फर्स्ट कमर्शियल बायोडीजल रिफाइनरी, ठीक है। राजस्थान का सबसे बड़ा जो वाटर टनल है वो कौन सा है, मानसी वोकल वाटर टनल, ये कहाँ पर है, ये भी है उदयपुर में। राजस्थान का मैं आप देखेंगे जस्ट अ सेकेंड, राजस्थान में मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था, लास्ट लेक्चर में, जो फर्स्ट टाइम जयपुर के अलावा कहीं पे इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट हुआ था वो हुआ था उदयपुर में, ठीक है। उदयपुर में जो वसुंधरा राजे, मिसेस वसुंधरा राजे हैं, उनके टाइम पे जो इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट हुआ था, ठीक है, अपार्ट फ्रॉम जयपुर, वो कहाँ हुआ था, वो हुआ था उदयपुर में। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि रिपब्लिक डे आउटसाइड जयपुर कहाँ पे सेलिब्रेट हुआ है और कब सेलिब्रेट हुआ है, ठीक है, ओके। नाउ उदयपुर में सेलिब्रेट हुआ था, ठीक है। नाउ देश का फर्स्ट, ठीक है, तो देश का है तो ऑब्वियसली राजस्थान का भी हो गया, मार्शल आर्ट कॉलेज, ठीक है, मार्शल आर्ट का जो सॉरी यूनिवर्सिटी वो कहाँ पर है, वो है उदयपुर में, ठीक है। राजस्थान की और देश की पहली हेल्दी फूड स्ट्रीट ये कहाँ पर है, उदयपुर में। एंड राजस्थान का फर्स्ट एनसीसी एकेडमी, जो फर्स्ट एनसीसी एकेडमी इस्टेब्लिश हुई थी राजस्थान में, वो कहाँ हुई थी, उदयपुर में, डबोक में, ओके। तो ये हो गया उदयपुर, एक बार वापस से रिवाइज कर लेते हैं, राजस्थान का फर्स्ट वायर हाउस, ठीक है, राजस्थान का पहला शिल्प ग्राम कौन सा है, हवाला ग्राम, देन फीमेल कोर बैंक, ठीक है, वेमेन कोर बैंकिंग बैंक है यहाँ पर,
ठीक है, ह्यूमन एनाटॉमी पार्क है, डेंटल कॉलेज है, योगा कॉलेज है, देन फिश रिजर्व्स हैं, ठीक है, दूध डेयरी कॉलेज है, उसके बाद डे केयर सेंटर है मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी में, देन उसके बाद डिजिटल यूनिवर्सिटी है, कौन सी है, महाराणा प्रताप एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे राजस्थान का फर्स्ट कमर्शियल बायोडीजल रिफाइनरी झामर कोटड़ा में है, ठीक है। उसके बाद सबसे बड़ा वाटर टनल कहाँ पर है, मानसी वाकल में, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे राजस्थान में फर्स्ट टाइम जो आपका इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट हुआ था वो कब हुआ था, 2006 में, और वो कहाँ हुआ था, उदयपुर में, ठीक है। देश में और राजस्थान में फर्स्ट मार्शल आर्ट कॉलेज यूनिवर्सिटी कहाँ पर है, उदयपुर में। देश और राजस्थान की फर्स्ट हेल्दी फूड स्ट्रीट, ठीक है, हेल्दी फूड स्ट्रीट कहाँ है, उदयपुर में। एंड एनसीसी एकेडमी फर्स्ट टाइम इस्टेब्लिश हुई थी राजस्थान में डाबॉक उदयपुर, ठीक है। अब ये हो गया, इसके बाद आगे चलते हैं अपन सिरोही की तरफ, ओके। सिरोही में आप देखेंगे सबसे पहला राजस्थान का फर्स्ट इको सेंसिटिव जोन कौन सा है, माउंट आबू, ठीक है, माउंट आबू है। एंड आप देखेंगे ब्रिटिश पीरियड में जो फर्स्ट म्युनिसिपैलिटी बनी थी राजस्थान में वो कहाँ पर बनी थी, आबू में, ठीक है, वो कौन सी थी, आबू, और ये बनी थी 1864 में, ठीक है, ये भी कहाँ है, सिरोही में, ठीक है। तो फर्स्ट इको सेंसिटिव जोन माउंट आबू, एंड आबू में फर्स्ट म्युनिसिपैलिटी बनी थी, ओके। आगे चलते हैं अपन, सिरोही हो गया, सिरोही के बाद नेक्स्ट अपन लेंगे पाली को, ठीक है, सिरोही के बाद नेक्स्ट लेंगे पाली को। अब पाली में आप देखेंगे राजस्थान में जो जैन मंदिर है, ठीक है, जैन धर्म का पहला गोल्डन टेंपल, ठीक है, जैनिज्म के लिए, जैन के लिए, ठीक है, फर्स्ट गोल्ड टेंपल कहाँ है, कहाँ पर है, वो है पाली में, फालना में, ठीक है, पाली में फालना, ठीक है। अब पाली हो गया, पाली के बाद आगे चलते हैं कहाँ पर, नागौर में। अब नागौर में आप देखेंगे, जस्ट अ सेकेंड, नागौर में बेसिकली अपन क्या देखेंगे, राजस्थान का फर्स्ट जो क्या है, वाइट सीमेंट की फैक्ट्री है, वो कहाँ है, नागौर में, ठीक है, वाइट सीमेंट फैक्ट्री वो कहाँ है, नागौर में, गोटन, ठीक है। देन राजस्थान का पहला सॉल्ट पार्क कहाँ है, नावा में, तो आदर्श लवण पार्क कहाँ पर है, नावा में, नावा नागौर, ठीक है। आगे चलते हैं अपन, राजस्थान में पहली रेल बस सेवा, फर्स्ट रेल बस सेवा कहाँ से हुई थी स्टार्ट, मेड़ता रोड से लेकर मेड़ता सिटी तक, ठीक है, ये 1994 में स्टार्ट हुई थी, ठीक है, ये पहले भी अपन ने डिस्कस कर रखा है। तो मेड़ता रोड से मेड़ता सिटी तक राजस्थान की पहली क्या थी, रेल बस सेवा थी। अब पंचायती राज जो सबसे पहली बार आया था वो कहाँ आया था, वो आया था नागौर में, बगदरी जो विलेज है, बगदरी विलेज में आया था, ये कब आया था, 2 अक्टूबर 1959 में, ठीक है, 2 अक्टूबर 1959 में, ठीक है। एंड यहाँ पर आप क्या देखेंगे, जो पंचायती राज सिस्टम है वो कहाँ पर आया था, बगदरी विलेज में, एंड इसको इनॉग्रेट किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने, ठीक है, जो द देन अपने क्या थे,
प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के, ठीक है? तो आप क्या देखेंगे, नागौर में क्या क्या है? फर्स्ट वाइट सीमेंट का जो फैक्ट्री लगी थी वो नागौर में गोटन एरिया में लगी थी। पहला आदर्श लवण पार्क या सॉल्ट पार्क है कहाँ पर? नावा में। देन फर्स्ट रेल बस सेवा स्टार्ट हुई थी मेड़ता रोड से, मेड़ता सिटी 1994 में। देन देश व राजस्थान का सबसे पहला क्या है, पंचायती राज इंस्टीट्यूट स्टैब्लिश हुआ था नागौर के बगदरी विलेज में 1959 अक्टूबर 2 को, ठीक है? ये हो गया नागौर। अब नागौर के बाद अपन आगे चलते हैं जालौर में, ठीक है? जस्ट अ सेकेंड, अब आगे अपन चलेंगे जालौर में। अब जालौर में क्या देखेंगे अपन, जस्ट अ सेकेंड, ठीक है? तो पहला जो गौमूत्र बैंक है, राजस्थान का पहला गौमूत्र बैंक है, वो कहाँ पर है? जालौर सांचौर में, ठीक है? जालौर के सांचौर एरिया में आप क्या देखेंगे, पहला गौमूत्र बैंक है, ठीक है? आगे देखेंगे राजस्थान में फर्स्ट जो रोपवे होता है, ठीक है? क्या होता है, एक हाई ऑल्टीट्यूड वाले एरिया से दूसरे हाई ऑल्टीट्यूड वाले एरिया तक क्या होता है, एक वायर पास करते हैं, ठीक है? वायर पास करते हैं जिसमें एक ट्रॉली लगी होती है, एंड वो ट्रॉली आपको एक हाई ऑल्टीट्यूड वाले एरिया से दूसरे एरिया तक ले जाने में हेल्प करती है, ठीक है? तो इसको बोला जाता है रोपवे, ठीक है? तो जालौर में राजस्थान का पहला रोपवे लगा था। अब वो रोपवे किस चीज़ के लिए था? सुंधा माता का मंदिर है, ठीक है? सुंधा माता टेम्पल है, उसके लिए, ठीक है? नाउ राष्ट्रीय कामधेनु यूनिवर्सिटी, ठीक है? नेशनल कामधेनु यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? पश्मेड़ा जालौर में, ठीक है? पश्मेड़ा जालौर में। देश मतलब इंडिया का और राजस्थान का एचआईवी, जो एचआईवी पेशेंट है उनके खुद के, मतलब जो सेल्फ रेगुलेटेड क्या है, ये एक तरीके का हॉस्पिटल है जो खुद ही चलाते हैं ये लोग, उनके लिए हॉस्पिटल है, एचआईवी लोगों के लिए ही हॉस्पिटल है, एचआईवी रोगियों के लिए ही, और एचआईवी रोगी ही इस हॉस्पिटल को चलाते हैं। तो ये देश का और राजस्थान का पहला क्या है, एचआईवी रोगियों का स्वयं का अस्पताल है, खुद का अस्पताल है, ठीक है? तो ये जालौर में क्या क्या हो गया, पहला गौमूत्र बैंक हो गया, रोपवे हो गया सुंदा माता मंदिर में, पहला कामधेनु विश्वविद्यालय हो गया पश्मेड़ा में, एंड एचआईवी रोगियों के लिए खुद का क्या है, अस्पताल है। आगे चलेंगे अपन जालौर के बाद, आगे चलते हैं अपन बाड़मेर की तरफ। तो बाड़मेर में आप देखेंगे इंडिया की और राजस्थान की सबसे ज़्यादा जो सलाइन वाटर या सॉल्ट वाटर लेक है, सबसे ज़्यादा सॉल्ट वाटर लेक है, ठीक है, जो सबसे ज़्यादा खारा पानी है वो कौन सी है, पचप्रदा। पंचभद्रा, ठीक है? आगे चलते हैं अपन, फर्स्ट लिग्नाइट बेस्ड आप कह सकते हैं, फर्स्ट लिग्नाइट बेस्ड जो पावर हाउस है वो कहाँ है, बाड़मेर में। और बाड़मेर में कहाँ पर है, गीलर में, ठीक है? गीरल में क्या है, लिग्नाइट बेस्ड पावर हाउस, ठीक है? तो इंडिया और राजस्थान में सबसे ज़्यादा खारे पानी की झील, सबसे ज़्यादा खारी, मोस्ट सलाइन वाटर, ठीक है, मोस्ट सॉल्टी वाटर लेक कौन सी है, पचभद्रा, ठीक है? देन लिग्नाइट बेस्ड पावर हाउस कहाँ है, गिरल में, ठीक है? ये हो गया। अब बाड़मेर के बाद नेक्स्ट आएगा जैसलमेर।
जैसलमेर में आप देखेंगे सबसे ज़्यादा जो गैस रिज़र्व है, ठीक है, सबसे पहला जो गैस रिज़र्व है, फर्स्ट गैस रिज़र्व कहाँ पर मिला आपको? जैसलमेर में, कहाँ पर? घोटारू, घोटरू में, ठीक है। देन इसके बाद सबसे ऊंचा टीवी टावर, कहाँ है? रामगढ़ में, ओके, रामगढ़ में है घोटरू। घोटरू में क्या था, सबसे पहला क्या मिला था आपको? गैस रिजर्व मिले थे। उसके बाद आगे देखेंगे अपना फर्स्ट मिनरल ऑयल का वेल, ये कहाँ है? ये है तनोट में, ठीक है, तनोट में। उसके बाद राजस्थान का फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट, ठीक है, ये क्या है? न्यूक्लियर पावर टेस्टिंग सेंटर है, परीक्षण केंद्र है। तो यहाँ पर बेसिकली आप क्या देखेंगे, ये कहाँ पर है? पोखरण में, पोखरण जैसलमेर, ठीक है। नीम बैंक, नीम बैंक क्या है? रामदेवरा में, ठीक है, नीम बैंक कहाँ पर है? रामदेवरा में। इसके बाद आप क्या देखेंगे, विंड एनर्जी प्लांट जो है कहाँ पर है? अमर सागर, ठीक है, अमर सागर में। देन राजस्थान का फर्स्ट विलेज जिसमें सोलर एनर्जी को यूज़ किया जाता है, ठीक है, जिसमें सोलर एनर्जी का यूज़ किया गया है फॉर पावर जनरेशन, वो कौन सा है? नौखा विलेज, ओके, नौखा गांव। तो क्या देखेंगे आप, गोटरू है, गोटारू है, वो क्या है? यहाँ पर गैस रिजर्व्स मिलते हैं। हाईएस्ट टीवी टावर कहाँ पर है? रामगढ़ में, ठीक है। सबसे ज़्यादा मिनरल ऑयल कहाँ पे मिलते हैं? मिनरल ऑयल वेल कहाँ पर है सबसे पहला? वो है तनोट में। नीम बैंक कहाँ पर है? रामदेवरा में। विंड एनर्जी प्लांट कहाँ पर है? अमर सागर में। न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ पर है? पोखरण में। उसके बाद फर्स्ट विलेज जहाँ पर सिर्फ सोलर एनर्जी का यूज़ किया जाता है, ठीक है, सॉरी, फर्स्ट विलेज जहाँ पर सोलर एनर्जी का यूज़ किया गया था वो कौन सा है? नौखा विलेज, ठीक है। अब ये हो गया, तो अपन ने जैसलमेर कंप्लीट कर लिया। जैसलमेर के बाद नेक्स्ट इज जोधपुर। अब जोधपुर में बेसिकली आप क्या देखेंगे, जोधपुर में आप देखेंगे राजस्थान का पहला फर्स्ट जो गवर्नमेंटल पोस्ट ऑफिस है, ठीक है, फर्स्ट गवर्नमेंटल पोस्ट ऑफिस वो स्टैब्लिश हुआ था 1839 में, ठीक है। हेरिटेज होटल है, राजस्थान की फर्स्ट हेरिटेज होटल कौन सी है? अजीत भवन, ठीक है। उसके बाद फ्लाइंग क्लब है यहाँ पर, राजस्थान का फर्स्ट फ्लाइंग क्लब, ये कौन सा है, ठीक है, सॉरी, ये है, ये कहाँ पर है? जोधपुर में। देन जीरा मंडी है यहाँ पर, जीरा मार्केट है, ठीक है। उसके बाद फुटबॉल एकेडमी है, देन उसके बाद देखेंगे आप ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, एम्स राजस्थान में, एम्स कहाँ पर है? जोधपुर में, ठीक है। उसके बाद में आयुर्वेद, आयुर्वेद के लिए जो आपकी यूनिवर्सिटी है, आयुर्वेद यूनिवर्सिटी, वो भी कहाँ है? जोधपुर में। पोल लेस मतलब विदाउट एनी पोल, कोई खंबा नहीं है यहाँ पर जोधपुर में, तो ये कैसा है? पोल लेस सिटी, ठीक है। उसके बाद में आप देखेंगे ई अपीयरेंस, मतलब कि क्या है?
जैसे कोर्ट में किसी को बुलाया गया तो वो इलेक्ट्रॉनिकली जैसे वाया एनी मीडियम, ओके, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या कॉल के थ्रू क्या है वो जुड़ा हुआ है, ठीक है, उस मीटिंग में या उस कोर्ट में। तो ये क्या है, ई अपियरेंस, ई पेशी से जुड़ने वाला पहला जिला राजस्थान का कौन सा है, जोधपुर, ठीक है, ई पेशी, ठीक है। उसके बाद आईआईटी सेंटर कहाँ पर है, जोधपुर में। आईआईटी राजस्थान का पहला कहाँ पर है, जोधपुर में, आईआईटी जोधपुर। उसके बाद में आप देखेंगे, जस्ट अ सेकेंड, आईआईटी जोधपुर, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे इंडिया का, तो फिर ऑब्वियसली राजस्थान का भी फर्स्ट ऑनलाइन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, तो ऑब्वियसली ये अपेयरेंस हो सकती है, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी हो सकता है ऑनलाइन, ठीक है, वो कहाँ पर है, जोधपुर में। आगे देखते हैं अपन, नॉर्थ इंडिया और राजस्थान का पहला जो रावण है, ठीक है, रावण, रामायण वाले जो रावण थे उनका पहला जो टेम्पल है वो कहाँ पर है, जोधपुर में, ठीक है, जोधपुर में कहाँ पर, मंडौर में, ओके। देन सन पार्क या फिर सूर्य उद्यान, ये कहाँ पर है, ये भी जोधपुर में है। एयरफोर्स फ्लाइंग कॉलेज, ये भी जोधपुर में है। उसके बाद आप देखेंगे राजस्थान में पहली बार क्या हुआ था, जो बेसिकली ऑर्गेनिजम्स हैं, एनिमल्स हैं, उनकी, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए पहली बार सेक्रीफाइस जो दिया था वो दिया था जोधपुर में। राजस्थान में पहली बार जो सेक्रीफाइस दिया गया था एनिमल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए वो कब दिया गया था, जोधपुर में 1604 में, जो कर्मा और गौरा नाम के जो दो जवान थे उन्होंने, उनके नेतृत्व में रामासड़ी गांव में ये दिया गया था, सेक्रीफाइस किया गया था, ठीक है। तो वहाँ पे लोगों ने खुद को सेक्रीफाइस किया था इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट एनिमल्स, ठीक है। अब अपन ने देखा था सेकंड स्पाइस पार्क, ठीक है, दूसरा स्पाइस पार्क कहाँ पे था, कोटा में। पहला स्पाइस पार्क मैंने आपको बताया था कहाँ पर होगा, ओशिया जोधपुर, ठीक है, इसमें भाटियान गांव है, भाटियान गांव है, रामपुरा भाटियान, वहां पर क्या है, फर्स्ट स्पाइस पार्क मतलब मसाला पार्क। अब आगे चलते हैं अपन, आगे है अपना बीकानेर, ओके, तो बीकानेर इज लास्ट। बीकानेर में आप देखेंगे राजस्थान में वल्चर के लिए जो कंजर्वेशन, वल्चर के कंजर्वेशन के लिए जो रिजर्व्स और जो सेंचुरीज बना रखी हैं वो कहाँ हैं, बीकानेर में, ठीक है। तो वल्चर रिजर्व्स है जौहड़ बीड़ में, जौहड़ बीड़, ठीक है, जौहड़ बीड़ में। उसके बाद राजस्थान का फर्स्ट, ठीक है, इंडिया का एंड राजस्थान की फर्स्ट मिल्क कैमल डेरी, सॉरी कैमल मिल्क डेरी, सॉरी आई एम सो सॉरी, कैमल मिल्क डेरी, ये कहाँ है, ये भी कहाँ है, बीकानेर में, ओके। उसके बाद आप देखेंगे जो फॉरवर्ड मार्केट कमीशन है, ठीक है, फॉरवर्ड मार्केट कमीशन है, उसकी, उसका जो बेसिकली इस्टेब्लिशमेंट हुआ था वो कहाँ पर हुआ था, फॉरवर्ड मार्केट कमीशन का, वो हुआ था बीकानेर में, ठीक है। उसके बाद में आगे चलते हैं अपन, आगे आप देखेंगे सेल लाइन कल्चर,
कहाँ पे स्टैब्लिश्ड है, वो भी कहाँ पर स्टैब्लिश्ड है, बीकानेर में, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं अपन, फर्स्ट लिग्नाइट बेस्ड आपका जो पावर प्लांट है, लिग्नाइट बेस्ड पावर प्लांट है, वो कहाँ पर है, रानेरी, ठीक है, रानेरी में। लिग्नाइट बेस्ड पावर प्लांट कहाँ पर है, रानेरी में। एंड प्राइवेट सेक्टर में होहोबा प्लांटेशन प्रोजेक्ट सबसे बड़ा राजस्थान का सबसे बड़ा होहोबा प्लांटेशन प्रोजेक्ट ऑफ प्राइवेट सेक्टर कहाँ पर है, प्राइवेट सेक्टर होहोबा प्लांटेशन प्रोजेक्ट कहाँ है, ये है झज्जर में, झज्जर में, ठीक है। देन यू हैव एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी कहाँ पर है, ये भी है बीकानेर में, ओके। इसके बाद आप देखेंगे जो एनिमल क्लिनिक कॉलेज है, ठीक है, एनिमल क्लिनिक कॉलेज है या एनिमल केयर कॉलेज, बेसिकली आई एम सो सॉरी, एनिमल केयर कॉलेज है, वो कहाँ है, वो भी बीकानेर में है। एंड उसके बाद में राजस्थान का जो आप देख सकते हैं सबसे बड़ा प्रिजन है, राजस्थान का सबसे बड़ा प्रिजन मतलब जेल, वो कहाँ है, वो है बीकानेर में, ठीक है। तो बीकानेर में क्या क्या देखा अपन ने, वल्चर रिजर्व है जोजड़ भीड़ में, उसके बाद कैमल मिल्क डेयरी है, ठीक है, देन फॉरवर्ड मार्केट कमीशन है, देन सेल लाइन कल्चर जो प्लांट है वो एस्टेब्लिश हुआ है, राजस्थान का फर्स्ट प्राइवेट सेक्टर लिग्नाइट बेस्ड पावर प्लांट कहाँ पर है, रानेरी में, प्राइवेट सेक्टर होहोबा प्लांटेशन प्रोजेक्ट, ठीक है, सबसे बड़ा होहोबा प्लांटेशन प्रोजेक्ट इन प्राइवेट सेक्टर इज इन झज्जर, ठीक है। देन एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी कहाँ पर है, बीकानेर में, देन एनिमल केयर या वेटरनरी कॉलेज कहाँ पर है, वेटरनरी कॉलेज इज इन बीकानेर, सो यहाँ पर आई एम सो सॉरी क्या है, बीकानेर में। उसके बाद आप देखेंगे सबसे बड़ा प्रिजन राजस्थान का वो कहाँ है, बीकानेर में, ठीक है। सो आई होप आप लोगों को ये सारे टॉपिक्स समझ में आ गए होंगे, ये सारे पॉइंट्स समझ में आ गए होंगे गाइस। कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी इशू हो तो आप मुझे बता सकते हैं। सो प्लीज़ अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। कोई भी इशू हो, कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। So we will meet in our next lecture. Till then, take care and have a nice day. Thank you.